हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट को लेकर के। जैसे कि यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो मतलब सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा या जनवरी में होगा, ऐसे वीडियो बना करके कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद कन्फ्यूज़ हो जा रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, फाइनल डेट का पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के आप लोग को स्पेशल वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अपना तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं किस तरीके से एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पे आप लोग को मतलब कंफ्यूज किया जा रहा है, उसको यहाँ पे आप लोग देखें। जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट जो है ये जो है जैसे कि फरवरी में होगा। ठीक है, जैसे फरवरी में बताया जा रहा है कि 25 फरवरी के आसपास में बोला जा रहा है कि लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 25 फरवरी जो बताया जा रहा है उसमें जैसे आप लोग को 25 फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक और इंटर का शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसमें आप लोगों को ये एग्जाम जो है फरवरी में ही मतलब होगा। ठीक है, मैट्रिक इंटर का वो भी एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है और सिविल कोर्ट का भी एग्जाम आप लोगों को ऑफलाइन ही लिया जाएगा। और सिविल कोर्ट में आप लोग सोच सकते हैं कि 18 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है। ठीक है, और उसमें इंडिविजुअल एग्जाम लिए जाएंगे जैसे कि कलर का हुआ, पिन का हुआ, ठीक है, कोर्ट रीडर का हुआ और चपरासी का हुआ, तो ये सभी का अलग अलग एग्जाम लिए जाएंगे क्योंकि एक एक छात्र दो दो तीन तीन फॉर्म को फिलअप किए हैं इसमें। ठीक है ना, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि फरवरी में होता है और एग्जाम मान लीजिए कि सिविल कोर्ट का 5 से 6 दिन ही चलता है। ठीक है, 5 से 6 दिन ही चलता है अगर मान लेते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि फरवरी में मैट्रिक इंटर प्लस सिविल कोर्ट का भी एग्जाम संभव हो पाएगा? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये एग्जाम संभव अगर हो पाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ठीक है ना, इससे आप लोग को सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग को इसमें मान लीजिए कि मतलब चांस किया जा सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग अगर सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को 10 से 15% जो है इसमें चांस हो सकता है कि एग्ज़ाम अगर मान लीजिए कि संडे को अगर लिया जाए तो भी इसमें आप लोग को 18 लाख फॉर्म को फिलअप किया गया है। ठीक है, कितना जी, तो 18 लाख के आसपास फॉर्म को फिलअप किया गया, तो ये थोड़ा लंबा एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जैसे हम बात करते हैं बिहार SSC CGL। ठीक है, जैसे कि बिहार SSC CGL। ठीक है, SSC CGL जो है इसका जो पेपर जो लीक हुआ है अभी, ठीक है, अभी जो 9 लाख छात्रों ने इस फॉर्म को फिलअप किए हैं जिसमें पेपर एक लीक हो गया है फर्स्ट सिटिंग का। ठीक है, ऐसे तो लीक बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सभी शिफ्ट का हुआ है। ठीक है, बोला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए सभी शिफ्ट को कैंसिल किया जा रहा है या फर्स्ट शिफ्ट को ही अगर मान लीजिए एग्ज़ाम आपका होता है तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम का जो है 45 दिन के अंदर ऐसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी मान लीजिए अगर इसका एग्ज़ाम होता है तो एक दिन इसका भी एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम 45 दिन के आसपास बताया गया है कि एग्जाम इसका लिया जाएगा। तो इसमें जैसे संभावना किया जा रहा है कि ये एग्जाम आपको जो है मार्च में ही होगा। ठीक है, ये मार्च में ही होगा और ये एग्ज़ाम सिविल कोर्ट से पहले होगा, सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम से ये एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ही आप लोग का सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आप लोग को जो है जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम, ठीक है, सिविल कोर्ट एग्ज़ाम जो है, सिविल कोर्ट एग्ज़ाम जो है आप लोग को मार्च में ही लिए जाने की संभावना किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्च में ही लिए जाने की संभावना किया जा रहा है, ये भी आप लोग को इसमें डेट को या अप्रॉक्स डेट मान सकते हैं। ठीक है, और उस डेट को मान करके अपना तैयारी में जुट जाइए क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम तो फाइनल ही होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप किया गया तो एग्ज़ाम 100% लिए जाएंगे। अब ये एग्ज़ाम सपोज डेट मान लीजिए कि 15 मार्च से ही, ठीक है, तो अभी आप लोग को 10 जनवरी है। ठीक है, आज 10 जनवरी है और इसको आप लोग को जो है जैसे कि आप लोग को एक टारगेट बना लेना है कि हमको इसके बीच में 40 या 45 दिन मिल रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी वीक पॉइंट है उस पॉइंट पे आप लोग को फोकस करना है और उस पर टारगेट करना है कि हमको इसको कंप्लीट कर लेना है इतने दिनों में। ठीक है, उसके बाद यहां पे जैसे कि आप लोग को टारगेट बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है, इस चैनल पे टारगेट बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया गया है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है।
ठीक है। और इसमें आप लोग को कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें आप लोग को कंप्लीट 40 दिन में एक मैराथन आप लोग को, ये क्लास चल रहा है जिसको आप लोग को यहाँ पे बैनर देख सकते हैं, इन 40 दिन में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा जिसमें आप लोग को इंग्लिश हुआ, तो इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है क्लास, ठीक है। इंग्लिश हुआ, इंग्लिश से आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस हुआ, ठीक है, जीके या जीएस हुआ, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ हुआ, ठीक है, मैथ से जो है यहाँ पे मतलब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग हुआ, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो चपरासी में, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ मैथ से, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी भी है इसमें, और भी और सब्जेक्ट है जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो इसमें आप लोग को इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है क्लास, इंग्लिश आप लोग इस चैनल से कर लीजिएगा कम्प्लीट, आप लोग को 20 में 20 नंबर आएगा। जीके जीएस भी यहाँ से कम्प्लीट कराया जाएगा, मैथ और रीजनिंग भी कम्प्लीट कराया जाएगा, ठीक है। इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसे वीडियो को देख करके आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारा वीडियो जो है डाला जा रहा है कि अभी एग्जाम होगा, कब होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो उसको लेकर के आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, आप एक अप्रॉक्स डेट आप खुद सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम अगर फरवरी में जो है, जैसे मैट्रिक इंटर का हो रहा है, उसके बाद बिहार से जेल का भी आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए कि रद्द हुआ है, उसका भी होगा, तो उसके बाद ही अगर सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा तो होने वाला होगा तो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए फरवरी या मार्च में होता है तो उसका नोटिफिकेशन तो आप लोग को मेल पे आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सरकारी रिजल्ट पे भी आ जाएगा, तो अपना तैयारी में जुटे रहिएगा, तैयारी कुछ रहेगा तो ही तो एग्ज़ाम में कुछ करके अपना अच्छा रिजल्ट ला पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को इस चैनल से जुड़ जाना है और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी करना है, जिसका टारगेट बैच आप लोग को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अपना तैयारी में जुटे रहिए और अपना मॉक टेस्ट बनाइए, जो वीक पॉइंट है उस पर फोकस कीजिए और तैयारी ढंग से कीजिए, ठीक है। ऐसे वीडियो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है और इस चैनल से फटाफट जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के, उसका सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।